क्रेडाई और MCHI नई मुंबई यूनिट की ओर से वाशी के विष्णुदास भावे हॉल में आयोजित नई मुंबई रत्न अवार्ड में कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। कोविड काल में लोगों के लिए रास्ते पर उतरकर कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को महाराष्ट्र के दिग्गज मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों ट्रॉफी और गुच्छे देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर विपिन कुमार, सिडको के MD संजय मुखर्जी, नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, एडिशनल कमिश्नर सुजाता ढोले, NMMC के जनसंपर्क अधिकारी महेंद्र कोंडे, एडिशनल कमिश्नर बाला साहेब राजोरे, स्माइल फाउंडेशन के प्रमुख के साथ साथ कई पुलिस विभाग के अधिकारी, नेताओं, कार्यकर्ताओं, सामाजिक संस्थाओं और अन्य लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। क्रेडाई MCHI ने आज कोविड वॉरियर पुरस्कार नवी मुंबई रत्न पुरस्कारचं आयोजन केलं होतं। यामध्ये कोविडमध्ये ज्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून चांगलं काम केलं त्यांचा सन्मान आज या ठिकाणी झालेला आहे। मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि क्रेडाई MCHIचं देखील अभिनंदन करतो की त्यांनी अतिशय एक चांगला उपक्रम या ठिकाणी कोविड वॉरियर्सचा सन्मान केला, त्याचं आयोजन केलं, त्याबद्दल त्यांना देखील मी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। यहाँ पर जो कोविड क्रेडाई MCHI ने कोविड वॉरियर्स अवार्ड रखा था उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। जिनको ये सम्मान जिन्होंने पाया है उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इसका आयोजन करने के लिए क्रेडाई MCHI के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। कोविडमध्ये ज्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम केलं अशा सगळ्यांचाच महापालिका, पोलीस प्रशासन, शिडको सगळ्यांनी आपापलं योगदान दिलं, NGO ने दिलं, क्रेडाई MCHI ने दिलं, या सगळ्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन झालेलं आहे, त्यांचा सन्मान झालेला आहे। खऱ्या अर्थाने कोविडचं संकट हे फार मोठं संकट होतं, अनपेक्षित होतं आणि अशा काळामध्ये एक युनायटेडली सगळ्यांनी मिळून मदत केली आणि त्या सगळ्यांचा सन्मान आज झाला, त्यामुळे खूप हा चांगला कार्यक्रम आहे। बिल्कुल, ये जो रियल इस्टेट सेक्टर है इसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। 200-250 छोटी बड़ी इंडस्ट्री ये डिपेंड करती है रियल इस्टेट सेक्टर पे, इसलिए ये बहुत ही एग्रीकल्चर के बाद ये सेक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको सहूलियत देना, हेल्प करना भी ज़रूरी है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब पिछले बार भी हम लोग ने कई उनको रिलैक्सेशन दिया है, अभी भी उनकी जो डिमांड्स है, कुछ उनके छोटे बड़े प्रॉब्लम्स है, ये नवी मुंबई के हो, सिडको के हो, निश्चित रूप से उसको हल किए जाएंगे। कि आप सब जब कोरोना काल था आप सब लोग रोड पर थे, हर छोटी मोटी मूवमेंट को आप कवर करते थे और सब पब्लिक के सामने लाते थे, और जिन लोगों ने, जिन योद्धाओं ने पूरे कोरोना काल के अंदर दिन रात एक करके काम किया, अपनी जान की बाजी लगा दी, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने खाने पीने की फिक्र तक नहीं की, और मेडिकल और पैरामेडिकल के लोग 3-3 दिन तक कंटिन्यूस काम करते थे क्योंकि उनको रिलीव करने के लिए कोई आता नहीं था, सब लोग डरते थे। ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना बड़ा काम किया तो उनका पुरस्कार भी उतनी बड़ी हस्ती के हाथों से होना बहुत ही ज़रूरी था, नहीं तो शायद उनकी मेहनत जो थी वो अधूरी रह जाती थी। उसके लिए हमने ये मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की कि आकर उनको पुरस्कार दें। अजीत दादा आने वाले थे, उन्होंने राष्ट्रपति साहब के आने के करके उनको ज्वाइन करना था उनके साथ में, इसलिए नहीं आ सके। उन्होंने अपना लेटर भेजा और अपनी शुभ इच्छा आप लोगों को दी। 56 लोगों को आज पुरस्कार दिया गया, उन्होंने जो मेहनत की आज उनको ज़रूर महसूस होगा कि गवर्नमेंट ने उनको अप्रिशिएट किया है। क्या कहना चाहेंगे अगर उनको कहना है एक थैंक यू पर?
जो कोरोना योद्धा है या पालक मंत्री आए थे उनके? मैं कोरोना में जिन ऑफिसर लोगों ने या काम करने वाले लोगों ने जो मेहनत की है, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि उनको मैं थैंक यू बोल सकूं। उसके लिए ये सब कुछ आयोजन किया गया कि इतना बड़ा प्रोग्राम करके उनको सम्मानित किया जाए। आज से लास्ट मंथ में महानगर पालिका ने 30 लेडीज़ कर्मचारी को, ओल्ड एज लेडी कर्मचारी को जो सफाई का काम कोरोना में करती थी, उनको भी सम्मानित किया था। उस वक्त मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब इन सब लोगों को हम सम्मानित करते हैं तो उनके अंदर में जो शांति मिलती है, उनको जो खुशी होती है, वो उनको बताने के सिवा बताने का और कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने आंखों से आंसू आते हैं खुशी के, उससे वो हमारे साथ शेयर करती हैं। उस वक्त एहसास होता है हम लोगों को कि हमने जो उनको सम्मानित किया वो हमारे लिए कितना ज़रूरी था। हर साल हमारी क्रेडा MCHI नवी मुंबई रत्न अवार्ड को कंटिन्यू रखेगी। इस वक्त कोरोना के फील्ड के लोगों के लिए किया गया, और इसके सिवा बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में रहकर जनता की सेवा करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, पूरे महाराष्ट्र में स्प्रेड आउट हैं, वो सेवा करते हैं। हम उन लोगों को सबको आपके सामने लाते हैं जिनकी सर्विसेज लोगों को पता चलना बहुत ज़रूरी है। ये देख रहा हूँ यहाँ पे जो लोगों को भी हमने सम्मानित किया है, लगभग 40 लोगों को, मुझे नहीं लगता हमने 40 को किया है, लगभग 400 लोगों को किया है। क्योंकि एक आदमी एक को हम पुरस्कारित करते हैं तो उसके कारण कम से कम 10 लोग प्रभावित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी को हम रिकॉग्नाइजेशन देते हैं या पुरस्कार देते हैं, सम्मान करते हैं, तो काफ़ी लोग को प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ये आशा है कि सब लोग बहुत खुश होंगे, उनके परिवार वाले भी काफ़ी खुश हैं। सर्वप्रथम मैं हा जो कार्यक्रम आहे क्रेडाई MCHI त्यांनी जे या ठिकाणी त्यांनी ऑर्गनाइज केली आणि याच्यामध्ये त्यांनी मला त्यांनी बोलवलं, माझे सम्मान केलं, त्याच्याबद्दल मी क्रेडाईचे MCHI जे पदाधिकारी आहेत, लखानी साहेब आणि त्याची जी टीम आहे, सर्वांचे मी आभार मानतो माझ्यातर्फे आणि माझ्या पोलीस आयुक्तालयातर्फे आणि आपले माननीय सन्माननीय पालकमंत्री साहेब जे हस्ते नवी मुंबई पोलिसांचे जे गौरव करण्यात आलेले आहेत। आता नवी मुंबई रत्न जो पुरस्कार आहे ते मी कोरोना काळामध्ये सर्वांना माहिती आहे की फार कठीण काळ होतं आणि त्याच्यामध्ये आपण जो चॅलेंज होतं त्याच्यामध्ये काम करत असताना आमचे काही लोक त्याच्यामध्ये वारले, तर मी त्यांना समर्पित करतो आपला जो पुरस्कार आहे। आणि त्यावेळी नवी मुंबई पोलीस टीम, नवी मुंबईकर, सर्व नवी मुंबईचे लोक आणि बाकी इतर सर्व डिपार्टमेंटचे लोक, म्हणजे आपला जे हेल्थ डिपार्टमेंट, हॉस्पिटलचे लोक असतील, डॉक्टर, नर्सेस किंवा इतर जे नगरपालिका किंवा सिडको किंवा बाकी सर्व, एकूण सर्वांनी मिळून आपण चांगले काम केले। आणि हे जे एक कठीण आणि अनप्रेसिडेंटेड एक प्रसंग आपल्याकडे आला होता त्याचे आपण व्यवस्थित हाताळलं, त्याच्यामध्ये जे पण सक्सेस आहे तर क्रेडिट गोज टू एव्हरीबडी, आपल्या सर्व अधिकारी कर्मचारी, आपल्या नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे, तर हे सर्वांचे एक जे या ठिकाणी एक गौरव करण्यात आलेला आहे त्याच्यामुळे थोडा आमचे हौसला आणखी चांगलं वाढलेलं आहे। आणि आम्ही पुढे कुठलाही प्रसंग आला, कुठलंही आपली जेव्हा पुरी आपल्या गरज समाजाला जेव्हा पडतो तेव्हा आम्ही आणखी जोमाने काम करणार आहेत आणि असं चांगलं काम नवी मुंबई पोलीस करणार आहेत। आणि हा चांगला अतिशय चांगला कार्यक्रम होता। आणि मी क्रेडाई आणि ह्या जे संस्था आहे, बाकी जे बिल्डर्स आहेत, डेव्हलपर्स आहेत आणि सिडको साहेब, आपला MD साहेब पण आहेत, मी सर्वांना सांगितलं की आपण जे तुम्ही शहराचे विकास करता तर थोडासा त्याच्यामध्ये पुढचे जे प्रॉब्लेम होणार आहे जे ट्रॅफिक वगैरेची, त्याच्या पण जरा काळजी घ्या, पार्किंगची जरा व्यवस्था आणि ट्रॅफिक। आणि आता कारण की हे नवी मुंबईमध्ये ज्या झपाट्याने जो विकास चालू आहे आणि पुढच्या काही काळामध्ये होणार आहेत, ते सर्व पाहता असं वाटतं की आपण विकास करत असताना थोडासा बाकी जे फॅसिलिटीज आहे, थोडा याचे ग्रीनरी, इन्व्हायरमेंट आणि ट्रॅफिक आणि खेळाचे मैदान, आपल्या नवी मुंबईचे जे खारघरमध्ये किंवा या ठिकाणी बरेचसे मैदान आहे, ग्राउंड आहे, तसं चांगलं ठेवलं पाहिजे आणि चांगलं काम करा, मी शुभेच्छा देतो सर्वांना। नाही, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि MCHI क्रेडाई और MCHI क्रेडाई की यूथ विंग ने, सिडको ने जो काम किया उसको रिकॉग्नाइज किया और हमें नवी मुंबई रत्न इस भूषण से सम्मानित किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संपूर्ण सिडको की जो टीम है उस टीम का एक जॉइंट एफर्ट है और हम सब लोगों ने जो है रात दिन मिलके काम किया है। हमने
जैसे आपने जैसे कहा कि 28 दिन में हॉस्पिटल खड़े करके दिखाया, वो थाना हॉस्पिटल सिडको ने बनाया था, उसी प्रकार से हमने नवी मुंबई में हमारा जो एग्जीबिशन सेंटर है उसको दिया था, उसी प्रकार से हमने पनवेल में पनवेल कॉरपोरेशन के एरिया में कलमबोली में हमने कोविड हॉस्पिटल्स बनाए हैं और साथ में कई प्रकार के छोटे छोटे कोविड सेंटर्स बनाए थे। अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ में हम अकेले बॉडी थे जिन्होंने वैक्सीनेशन का सेंटर शुरू किया। तो कोविड का ये पीरियड जो था उसमें मेरे ख्याल से देश के हर नागरिक ने इसमें सहभागी हुआ है, हर एक ने काम किया है, इसमें सिडको भी सहभागी था और मुझे खुशी है कि MCHI क्रेडाई जो खुद इसमें सहभागी थी इस कोविड एफर्ट में, उन्होंने इसको सम्मानित किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ये शाम को हम सब साथ में मिलके हमने आयोजन किया है। मेरा अकेला का कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, आप लोग सब भी इन्वॉल्व्ड है, पूरी यूथ टीम इन्वॉल्व्ड है, तो एक जन का काम नहीं है, आप लोग के सहयोग से ये होता ही नहीं। सो वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल द प्रेस एंड मीडिया पीपल फॉर सपोर्टिंग अस ऑल द वे, थैंक यू। कोरोना योद्धा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोरोना योद्धा के बारे में इतना ही है कि हमने उनको खुश किया और उससे बड़ी खुशी हमको कुछ हो ही नहीं सकती कि आज हमने उनको फेलिसिटेट किया, उनको रिकग्निशन दी, उनको पहचान दी, तो उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए हो ही नहीं सकती। पहले तो अभिनंदन सबका जिन्होंने हमको कंसिडर किया वर्दी इस अवार्ड के लिए। मेरा नाम अनूप पुरी है और मैं सदगुरु शीतल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी का पार्टनर हूँ, साथ में मेरी वाइफ डिम्पल पुरी, मेरी भाभी जी उषा टक्कर और परेश भाई, हम ये संस्था चलाते हैं, हम पार्टनर्स हैं, हमारे फॉर्म का नाम है सदगुरु शीतल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी। उस महामारी के दौर पे जब मेरा याददाश्त जाती है तो आज भी याद आता है कि रोंटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा टाइम था जहाँ पे लोग एक दूसरे का साथ क्या मतलब सामने आने की कोशिश नहीं करते थे, बट हमने कोशिश किया कि हमारा प्रेरणा था कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, ये फोरम पे हमने बिलीव किया। हमारा एक केटरिंग डिवीज़न है निवस्ती एम्पोरियम मॉल फुल स्टॉप में, और हमारे पास उस दौरान केटरिंग बिजनेस डाउन हो चुका था बिकॉज कोविड में सब बंद हो चुका था और हमारे पास काफ़ी अनाज पड़ा हुआ था। तो मैंने मेरे पार्टनर से डिस्कस करके एक डिसीजन लिया कि किस तरीके से हम लोगों की मदद करें, कहाँ कैसे पहुँचें, और उस टाइम पे हमने काफ़ी लोग से डिस्कस किया और उसके बाद में हमने फूड पैकेट बनाना शुरू किया। और जो प्रवाह शुरू हुआ, तकरीबन पहले दिन हमने 200, 250, 300 लंच किए, उसके बाद में शाम के डिनर हुए। हम जिस एरिया में रहते हैं सानपाड़ा में, वहाँ पे काफ़ी यूटिलिटी हाउसमेट्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, काफ़ी लोग हैं जो रहते हैं, और उस टाइम जब सब बंद हो गया था तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उसी दौरान हमने फिर फूड पैकेज पार्सल्स हमने देना शुरू किया। ऐसे करते करते चलता रहा और तकरीबन 40 दिनों तक हमने ये अपना काम, जो सेवा है ये निष्काम सेवा थी जिसमें कोई शुल्क नहीं लिया गया, और ये काम को करने के लिए हमको बहुत बिल्डर्स ने प्रोत्साहित आगे मदद की। मैं स्पेशल थैंक्स प्रोग्रेसिव बिल्डर्स का करना चाहता हूँ, संजय कपूर जी हैं, संग्राम पाटिल जी हैं, मनोज अवस्थी जी हैं और गुनानी साहब हैं, वहाँ जितने भी बिल्डर्स हमारे आजू बाजू रहते हैं जिन्होंने तहे दिल से हमको मदद की, किन्होंने हमको सामान भेजा, अनाज भेजा, किन्होंने हमको मोटिवेट किया, बहुत लोगों ने हमको रकम भी दी सामान खरीदने के लिए, और वो सब करके हमने किसी भी तरह अनाज बनाते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। तकरीबन मेरे हिसाब से 60 से 65 हज़ार लंचेस हमने तकरीबन 40 दिन में दिए, और ये पूरे एरिया में डॉक्टर्स के पास गए, एनजीओ के पास गए, लायंस के पास गए, वहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ हैं, हटमेंट्स हैं, जो बैचलर्स रहते हैं, उन सबको ये पैकेजेस गए हैं। हम ये बोलना चाहते हैं कि सदगुरु शीतल का एक ही विजन है, एक ही मिशन है, कि ऐसे भगवान नहीं करे ऐसे कभी तकलीफ़ आए, और कभी ज़िंदगी में ऐसे तकलीफ़ आए तो आपके लिए ये गुरसिख सेवक सदगुरु शीतल हमेशा ही खड़ा रहेगा, ज़िंदगी में हमेशा आगे ही रहेगा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू MCHI क्रेडाई एंड एंटायर टीम कि सदगुरु शीतल को एक नवरत्न अवार्ड देके प्रोत्साहित किया है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, बल मिलता है कि हम और आगे सेवा करें मैनकाइंड की। थैंक यू सो मच। आई जस्ट थैंक MCHI फॉर गिविंग अस द अवार्ड एंड आई एम उषा टक्कर फ्रॉम सदगुरु शीतल फूड्स एंड हॉस्पिटैलिटी। हमने वो टाइम पे जो सेवा की, हमें बहुत खुशी है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिला लोगों तक ये सेवा का मौका पहुंचाने का, और हम सबको उनका एक पेट भरने के लिए हमें एक सर्व करने को चांस मिला। आई थैंक यू फ्रॉम उषा ठक्कर। आपको सिख जिंदगी में दो जगह मिलेंगे, एक बॉर्डर पे, एक किचन में। हम लंगर का प्रवाह करते हैं, लोगों का अन्न दान करते हैं, तो हमेशा हमारे जीन में, DNA में यही रहता है कि लोगों की तत्पर सेवा की जाए।
ओके, लंगर समझ के हमने इसको सेवा किया है निष्काम भाव से। हमारा लंगर खा के बहुत लोग ने हमको ब्लेसिंग्स दिया है। मैं चाहता हूँ ये प्यार बना रहे। सदगुरु शीतल हमेशा ही आपके लिए सदैव तत्पर है, हमेशा जिंदगी में आपको मदद करने के लिए हमेशा है। थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रवीण चौहान के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।